हेलो फ्रेंड्स, दाई टेक में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 1 to 100 किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर कैसे निकालना है, उसके लिए मैंने आपको दो ट्रिक बताई थी। जो भी आपको आसान लगे उस ट्रिक से आप कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 101 से 1000 के बीच का किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड कैसे करना है। इसके लिए भी दो ट्रिक हैं और वो दो ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। 101 से 1000, तो मैं 101 ही ले लेता हूँ। तो 101 का स्क्वायर करना है तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर सेलेक्ट करना है। पहला नंबर मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ये दोनों नंबर एक साथ सेलेक्ट करना है और फिर ये तीसरा नंबर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मैंने बताया था 2 डिजिट रखना पड़ेगा। 2 डिजिट नंबर है तो इसलिए यहाँ पे भी 2 प्लेस आएगा, तो जितना प्लेस यहाँ रहेगा उतना ही प्लेस यहाँ पे रहता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो अब आप देखिए, 1 का स्क्वायर करोगे आप, 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन आपको 2 डिजिट में रखना है तो 01 रखोगे आप, ठीक। फिर 01 का स्क्वायर आप करिए तो कितना आएगा, 1 ही आएगा तो 01। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 1, 1 और 2 तो कितना आएगा, 2। इसको आपको 2 डिजिट में लिखना है तो 02 आंसर आ गया आपका, 10201, दिस इज द आंसर, सिंपल है। अब आप कोई बड़ा नंबर ले लो, मान लीजिए 99 ही ले लिया मैंने, इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने का तरीका सिंपल है। अभी इस ट्रिक से आप करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको लेंदी पड़े, लेकिन इसके बाद मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपको ये भी आसान पड़ेगा। फिर भी अभी अपन इसी ट्रिक से देखते हैं ताकि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर वही नंबर सेलेक्ट करना है, तो इसको आपको सिंगल ही सेलेक्ट करना है, इसको एक साथ दोनों सेलेक्ट करना है और आपका ये। तो इसके लिए आपको कितने प्लेस छोड़ना पड़ेगा, 2, इसके लिए आपको कितने, 2, और जितने प्लेस आपने यहाँ छोड़े उतने प्लेस आपको बीच में छोड़ना पड़ता है। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 आप लिख दीजिए। 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकालते हो, तो कितना आएगा, 09801। यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 2 ही डिजिट हैं तो इसलिए 01 आएगा, 98 आपका कैरी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 9 × 99 × 2 इसका आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तीनों का, तो कितना आएगा, 18 × 99 = 1782, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। तो 1782 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप कितने डिजिट लिखेंगे, सिर्फ 2 डिजिट, तो 82, बाकी 17 जो है यहाँ पे लिखना है, कोई भी डिजिट आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आप डायरेक्टली लिख दीजिए 018 + 2 कितना आएगा, 10, ये 1 10 + 8 18 199, तो 998001, दिस इज द आंसर, 998001, दिस इज द आंसर। अभी आपको ये लग रहा है थोड़ा सा लेंदी है, आपको ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन यहाँ भी उतनी करनी पड़ रही, तो मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ उससे ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए दूसरी ट्रिक में आपको क्या करना है, सिंपल है वो भी, इसके पास का बेस नंबर क्या है, 1000 है इसके पास का बेस नंबर, तो 1000 से कितना कम है, 1, तो -1 + 1 आंसर आ गया, 99999 + 1 कितना आएगा बताइए, 1000, सिंपल है, 1000 × 991 - 1 998, बस आ गया आंसर आपका। इसके बाद आप क्या करते थे, यदि आपको पहले इसके बाद आपको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1 × 1 कितना आएगा, 1, यदि आपको सिंगल डिजिट रखना है तो 10 से डिवाइड करिए, डबल डिजिट रखना है तो 100 से डिवाइड करिए, तो सिंगल डिजिट ही है तो 10 से ही डिवाइड कर देता हूँ, कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 99800
और ये 1, दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को करते हैं इसी मेथड से। 101, ठीक, ये किसके करीब है? 100 के, तो -1 + 1, तो 101 - 1 कितना आएगा? 100, और 101 + 1 = 102, आंसर आ गया। इसके बाद आप क्या करते हो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 1, सिंगल डिजिट रखना है तो सिर्फ 10 से डिवाइड करिए आप, तो ये कितना जाएगा? 1020 और ये 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा?